अपनों ने हाथ खींच लिया आशीर्वाद देने से, अब वही आशीर्वाद लेने मैं जनता के बीच जाऊंगा 5 तारीख को पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से। मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा 5 तारीख से। हाँ, हम लोगों ने एक यात्रा की घोषणा की है मेरे लिए, मेरे पिता के जाने के बाद। अब जब मेरे चाचा का भी साया मेरे ऊपर से उठ गया है, अब जब उनका भी आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिले। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से जनता का प्यार, जनता का समर्थन मुझे मिला, तो आज वही आशीर्वाद लेने, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों ने हाथ खींच लिया आशीर्वाद देने से, अब वही आशीर्वाद लेने मैं जनता के बीच जाऊँगा 5 तारीख को। पापा का जन्मदिन होता है, ये जन्मदिन जब तक पापा थे तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे, अच्छे से मनाते थे, पर इस बार भी हम लोग चाहते हैं, इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि पापा का जन्मदिन जैसे हर साल मनाया जाता है देश के हर एक ज़िले में, उसी तरीके से मनाया जाए। पर हाँ, उसी दिन से मैं एक नए संघर्ष की भी शुरुआत करूँगा पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से। मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा और 1.5-2 महीने की उस यात्रा, उसका पूरा स्केड्यूल जैसे ही तैयार होता है आप सबके सामने आएगा। और अंत में जब उस यात्रा का समापन होता है तो पटना में एक नेशनल काउंसिल की, जो कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें देश भर के तमाम जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक पदाधिकारी तक उसमें मौजूद रहते हैं, वो एक बड़ी बैठक अंत में हम लोग पटना में हम लोग करेंगे। कितने लोग इस बैठक में शामिल हुए? मैं इसकी एग्जैक्ट संख्या अभी जैसे ही मेरे पास पूरी डिटेल आती है मैं एग्जैक्ट संख्या आप लोग के समक्ष रखूंगा। बट आप लोगों ने भी आपके कैमरे में वो विजुअल्स हैं, सिर्फ 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़ के, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़ कर सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश फिजिकली ही मौजूद थे, कुछ थे नॉर्थ ईस्ट के, महाराष्ट्र के, कुछ हिमाचल के, जो कि वर्चुअली जुड़े थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक को छोड़कर, रामजी सिंह जो हमारे लेबर प्रकोष्ठ के थे उनको छोड़कर सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, जितने भी राष्ट्रीय हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर्स हैं, वो अधिकांश संख्या में, लगभग मेरी जानकारी अभी तक जितनी है 90% लोग यहाँ पे मौजूद थे। एग्जैक्ट संख्या एक बार जानकारी मेरे पास आती है तभी मैंने मीडिया के सामने रखा। और ये वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जो कि अक्सर आप लोग कवर करते रहे हैं, ये वही चेहरे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नए चेहरों को यहाँ पर बैठा कर, ये वही लोग हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वही सारे प्रदेश अध्यक्ष, यूटी के अध्यक्ष हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई प्रोसेसेस हैं जो हमारे संविधान में निर्धारित किए गए हैं। पहले तो कोरम ही पूरा करने के लिए आपको कम से कम 30 सदस्य होना ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने स्वतः अपने आप को, पशुपति कुमार पारस जी ने जिस कार्यकारिणी में इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें कितने सदस्य थे। ना मैंने कोई तस्वीर देखी, ना मैंने उसका कोई वीडियो देखा, उसमें कौन कौन लोग थे, नाम तो दीजिए। मैं तो सारे नाम आज आप लोग के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति तुरंत इसके बाद मैं साझा करने वाला हूँ, उसमें हर एक व्यक्ति का नाम मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, किस पद पर है, कब से है, सारी बातें मैं साझा करूंगा। तो इन्होंने जिसमें अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूं कि भाई वो कौन लोग थे। और उसके बाद जो नई कार्यकारिणी इन्होंने 6-7-8 लोगों की बनाई है, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में सिर्फ मात्र दहाई का भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, मात्र 9 लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ गए हैं। पर अगर उससे ज़्यादा हैं तो ये अपनी जानकारी में दे दें, क्योंकि आज तो मैंने अपनी जानकारी पूरी तरीके से आप सबके सामने खुले रूप से।